नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक रिसर्च से संबंधित, जो कि खास करके परीक्षण से संबंधित और सभी परीक्षाओं में बेहद इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं टी टेस्ट की और यू टेस्ट की, जो कि खास करके एनटीए नेट से संबंधित जो परीक्षाएँ होती हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर एक एग्ज़ाम में पूछी ही जाती है प्रायः। तो आप देखेंगे टी टेस्ट और यू टेस्ट क्या है। तो अगर हम टी टेस्ट की बात करेंगे तो टी टेस्ट के दो नाम या तीन नाम, बहुत सारे उपनाम हैं, जिसमें कि टी टेस्ट को टी टेस्ट के नाम से, टी परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, टी अनुपात या टी रेशियो के भी नाम से जाना जाता है। दरअसल टी टेस्ट क्या है, तो टी टेस्ट या टी अनुपात दो माध्यमों के बीच का जो अंतर होता है उसकी सार्थकता की जाँच करने के लिए एक ये प्राचलिक प्रयोग है। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि टी टेस्ट या टी रेशियो एक ऐसा परीक्षण है जिसके माध्यम से दो माध्यों अर्थात दो माध्यों के बीच के अंतर की सार्थकता की जांच किसी प्राचलिक परीक्षण के लिए किया जाता है। आप देखेंगे कि ये जो सार्थकता टी टेस्ट या यू टेस्ट, इसको टी टेस्ट भी कहते हैं, ये एक इस प्रकार का परीक्षण है जो दो माध्यों के बीच क्या करता है, अर्थात दो मीन के बीच जो अंतर होता है उसकी सार्थकता की जांच के लिए ये परीक्षण किया जाता है और ये संपूर्ण रूप से प्राचलिक परीक्षण है। अब आप देखेंगे कि सार्थकता, जिसको कि सिग्निफिकेंस कहते हैं, और प्राचलिक, जिसको कि हम पैरामेट्रिक टेस्ट भी कहते हैं, तो ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और पैरामेट्रिक टेस्ट में ये दो माध्यमों के अंतर के जो सार्थकता है उसकी जांच करता है। केवल दो माध्यमों के बीच सार्थकता के अंतर की सार्थकता की जांच करता है, बल्कि ये बहुत सारे, जैसे कि आपका पियर्सन आर है, पॉइंट वाइज सीरियल है, या गुड अंतर संबंध है, इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाता है। दरअसल आप देखेंगे तो इसका एक और नाम है, इस टी टेस्ट का एक और नाम है जिसको कहा जाता है स्टूडेंट टी। इसलिए कहा जाता है कि इसका जो, ये डब्ल्यू एस गेसेट ने इसका निर्माण किया था, कब, 1908 में, जिसको कि जिसके माध्यम से इसको स्टूडेंट टी के माध्यम से इसको समझा जाने लगा। लेकिन बाद में चल करके आर ए फिशर ने इसको बहुत ही ज़्यादा प्रचलित किया और विचलित किया, प्रचलित किया, इसको विकसित किया, टी टेस्ट को बहुत ज़्यादा विकसित करने में आर ए फिशर का बहुत ही ज़्यादा हाथ है। हालांकि सबसे पहले इनको डब्ल्यू एस गेसेट ने 1908 में किया था, जिसको कि स्टूडेंट टी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप देखेंगे कि यू टेस्ट क्या है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि यू टेस्ट भी सेम टी टेस्ट है, ऐसा कह सकते हैं एक छोटे से भाषा में। अब कैसे है, तो आप देखेंगे कि ये भी क्या करता है कि दो माध्यमों के अंतर की सार्थकता का जांच करता है टी टेस्ट, और यू टेस्ट का भी वही काम है कि वो भी दो माध्यमों के अंतर के की जो सार्थकता होती है उसकी जांच करता है, लेकिन वो प्राचलिक नहीं होता है, वो अप्राचलिक होता है। यहां क्या होता है, अप्राचलिक होता है, अप्राचलिक अर्थात नॉन पैरामेट्रिक। तो ये आपका पैरामेट्रिक होता है,
ये आपका पैरामेट्रिक होता है, ये क्या होता है, नॉन पैरामेट्रिक होता है, ये आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है। आपका ये कौन सा, यू टेस्ट, यू टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक होता है। तो यू टेस्ट का भी सेम काम है। अब ये टी टेस्ट में क्या होता है कि दो माध्यमों के बीच जो अंतर होता है वो प्रसामान्य कर्व से लिया गया हो या इस प्रकार से, ये टी टेस्ट में होता है, लेकिन इसमें वो नहीं होता है। तो खास करके आप देखेंगे तो दो ये टी टेस्ट और जो मान विटनी यू टेस्ट है, मान विटनी यू टेस्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसको दो लोगों ने विकसित किया, मान और विटनी, इसीलिए इसको मान विटनी यू टेस्ट कहा जाता है। तो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये टी टेस्ट ये भी सेम काम करता है, ये भी दो माध्यमों के बीच के अंतर की सार्थकता का भी जांच करता है, लेकिन अंतर ये है कि ये पैरामेट्रिक है, टी टेस्ट पैरामेट्रिक है और जो यू टेस्ट है वो नॉन पैरामेट्रिक है। अंतर मुख्य रूप से इतना है। मुझे लगता है कि कम समय में आपको टी टेस्ट और यू टेस्ट के बारे में बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।